अब ज़रा देखें यहाँ पर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने कोई चीज़ बनानी हो लोगों, तो पहले हम लोगों का डिज़ाइन सोचते थे किस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद एक डिज़ाइन था जो मैंने देखा था, मुझे पसंद आया, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा किस तरीके से बनाई जाती है। चार पांच लोगोज बना के आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह मैं, और उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी बताऊंगा मैं, एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों को बनाने को दूंगा। हम उसी में से एक चीज़ को सोचेंगे और बना के लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल चले, एक डिज़ाइन सोचा है, ये मैंने कहीं डिज़ाइन देखा था तो मुझे पसंद आया, तो उसको डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ इसके। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया, जरा देखिएगा, ये मैंने सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद अगर मैं कोई कलर इंसर्ट करना चाहूँ तो मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये कलर इंसर्ट कर दिया मैंने। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, ये मैंने सर्कल लिया, ये मैंने सर्कल बनाया है। सर्कल बनाने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि एक लोगो डिज़ाइन करूँ, कोई सा भी डिज़ाइन हो सकता है। चले मैंने सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद कोई कैरेक्टर इस पर टाइप कर देता हूँ मैं, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ए बी वॉट एवर। मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लेता हूँ जो कि एस ले लेता हूँ मैं चाहूँ तो कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स भी ले सकता हूँ मैं, उसका तरीका सबका सेम ही होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, मैं इसका साइज इंक्रीज कर दिया, पर ये स्टिल अभी कैरेक्टर है, ठीक है। मैं इसको अगर चाहूँ तो मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको मैं चाहूँ तो अरेंजमेंट बैकवर्ड ट्रांसफॉर्म में इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ मैं, यानी मैं इसको रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे रिफ्लेक्ट करूँगा मैं, ये देखिएगा अपोजिट टाइप इसकी रिफ्लेक्शन हो गई है। अगर मैं इसका साइज बड़ा करना चाहूँ तो साइज का मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका टिप इसके टिप के साथ थोड़ा सा ये अटैच हो जाए, समथिंग लाइक दैट। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, एंड देन दैट्स इट। अगर मैं चाहूँ तो डिफरेंट शेप डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल के साथ में कर सकता हूँ मैं। अब और जरा देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, अभी मैं अगर चाहूँ इसको मैं अगर पंच करना चाहूँ यानी इसको कट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। इसकी वजह क्या है कि ये क्या है टेक्स्ट और पीछे क्या है पिक्चर, ठीक है। जो सर्कल मैंने बनाया है वो बेसिकली वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स पिक्चर है, और ये क्या है टेक्स्ट है, ये पिक्चर नहीं है ये टेक्स्ट है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, इसको मुझे चेंज करना होगा इंटू पिक्चर, ताकि दोनों पिक्चर हो जाएं। पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस पे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास इक्रूट का, इक्रूट का ऑप्शन आता है। यहाँ हम देखते हैं एक्सपेंड, सॉरी इक्रूट कह रहा हूँ, एक्सपेंड होगा। जैसे एक्सपेंड पे क्लिक करूँगा मैं, ये इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा इंटू ग्राफिक्स, ठीक है। जैसे ही ग्राफिक्स पे क्लिक करेगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया जी, बिल्कुल ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स अब पिक्चर हो गई है। मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं डिफरेंट, जिसमें हम लोग इसको हम लोग डिफरेंट उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, मतलब ये अब इसमें यहाँ पर मैं जैसे पाथ फाइंडर पे क्लिक करूँगा मैं, पहले मैं एरिया को सेलेक्ट करूँगा मैं। पाथ फाइंडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है माइनस इन फ्रंट, जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक शेप आ गया। मैं चाहूँ तो डिफरेंट टेक्स्ट से डिफरेंट शेप्स बना सकता हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा मैं अगर इसको
घुमाना चाहूँगा थोड़ा सा, तो मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा इसको एक शेप दे सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको अलग करना चाहूँ, मैं इसको अनग्रुप करना चाहूँ, तो वी कैन डू दैट। अभी मैं देखिए इसको अनग्रुप किया जाने, अब ये चीज़ अनग्रुप हो चुकी है, ये चीज़ डिफरेंट है और ये चीज़ डिफरेंट है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक और चीज़ है, मैं यहाँ से इसको 3D इफेक्ट दे दूँगा दोनों को मैं। 3D इफेक्ट देने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, ज़रा देखेगा, यहाँ पर एक शेप आ जाएगा, एक लुक आ जाएगा 3D की वजह से। इफेक्ट पे जाके 3D है, 3D पे यहाँ पर एक क्रोट है, जैसे एक क्रोट पे जाऊँगा तो यहाँ पर एक 3D शेप आ जाएगा। फिलहाल इसका इफेक्ट इससे नज़र नहीं आ रहा कि आपने प्रीव्यू पे चेक नहीं लगाया, जैसे प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे आप यहाँ पर देखिए इसका एक शेड आ जाएगा 3D इफेक्ट्स का। यहाँ से हम चाहें तो डिफरेंट फ्रंट से देख सकते हैं, या डिफरेंट हम जिस ऑब्जेक्ट से देखना चाहें देख सकते हैं इसको। इसके अलावा इसका प्रोस्पेक्टिव कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें, अप टू यू, जिस तरह आप इसको देखना चाहते हैं, जिस एंगल से भी इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल यहाँ से इसको ओके करता हूँ मैं, यहाँ पर हमने इसको एक को शेड दे दिया। इसी तरीके से मैं सेकंड, जिसका सेकंड पार्ट है उसको भी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा यहाँ पर मैंने बेसिकली इसका जो बॉर्डर था स्ट्रोक, इसको मैंने ख़त्म नहीं किया था, मैं सेकंड में इसको स्ट्रोक को ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करते ही देखिएगा, और इवन अगर मैं इसका भी स्ट्रोक ख़त्म करना चाहूँ इस पॉइंट पे, तो मेरे पास देखिए एक अच्छा लुक आ जाएगा इसका, जो मुझे पहले ख़त्म कर देना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पर मैं जाऊँगा मैं 3D पे, एक क्रूट पे, और सेम जो सेटिंग मैंने उसके अंदर रखी थी वही सेटिंग इस पर रखते हुए मैं इसको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चाहूँ डिफरेंट इस पर इफेक्ट डालना, मीन अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं डिफरेंट इस पर ग्रेडिएंट अप्लाई करना, तो मैं ग्रेडिएंट इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक किया, इस ग्रेडिएंट के लिए मुझे यहाँ पर डिफरेंट टूल्स हैं जो मुझे यहाँ से ले लेता हूँ मैं। इसके पाथ्स हैं, और यहाँ से अगर डिफरेंट में ग्रेडिएंट्स अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, ये रहे ग्रेडिएंट, ओके। अगर मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको ग्रेडिएंट अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फिलहाल इसको उठा के मैं बाहर रख देता हूँ ताकि मुझे क्लियर नज़र आए। यहाँ पर देखिएगा मैंने इस शेड पे मैंने क्लिक किया हुआ है, एंड देन अगर मैं इसमें डिफरेंट ग्रेडिएंट्स अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट ग्रेडिएंट्स अप्लाई कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा मैं चाहूँ रेडियल अप्लाई करना चाहूँ, मैं चाहूँ अगर फॉर एग्जांपल रेडियल में भी अगर इसको इन्वर्स करना चाहूँ तो इन्वर्स कर सकता हूँ मैं। यहाँ से डिफरेंट कलर में चाहता हूँ इसको अप्लाई करना, डबल क्लिक करूँगा मैं, ये कलर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से जौन सा भी कलर में इस पर अगर अप्लाई करना चाहता हूँ मैं, वी कैन डू दैट। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक एरिया में चाहता हूँ मैं, यहाँ पर भी अगर मैं डिफरेंट कलर्स पर चाहता हूँ अप्लाई करना, यहाँ से ज़रा देखिएगा, यहाँ से मैंने फ़िलहाल येलो कलर लिया है, शेड रेडियल, ओपेसिटी यहाँ पर 100 की हुई है। ओपेसिटी अगर मैं बढ़ा दूँ यहाँ से, यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन, और इन अंदर का कलर अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई करता हूँ डिफरेंट कलर, देखिएगा डिफरेंट शेड कलर में अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फिलहाल चलिए मैं इस पर अप्लाई करता हूँ डिफरेंट कलर में। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसका लोकेशंस को चेंज करना चाहूँ, तो लोकेशंस को मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहूँ स्प्रेड आउट कर सकता हूँ मैं। ये सारे काम इसमें यहाँ से पॉसिबल है। इवन इसकी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेट को बढ़ाना चाहूँ, कम करना चाहूँ, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% कर देता हूँ मैं। तो डिफरेंट एंगल्स में इसको अप्लाई करना चाहूँ तो इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं। फिलहाल कलर थोड़ा सा डिफरेंट ऑड सेलेक्ट हो गया, मैं कलर थोड़ा अच्छा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, दिस वन, एंड इस पर ग्रीन तो नहीं अच्छा रहेगा। अगर मैं बड़ा क्लिक करता हूँ मैं, और इसी में इसका डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, तो एक लुक अच्छा आ जाएगा इसके ऊपर। अच्छा फिलहाल यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही है, मैंने एक डिफरेंट लुक अप्लाई कर दिया इस पर डिफरेंट शेड्स। अगर इस शेड को यहाँ पर देखें तो डिज़ाइन बना हुआ है, उसके अंदर रेडियल शेप बना हुआ है, ठीक है। इन द सेम मैनर में सेम थिंग्स यहाँ पर इसके नीचे वाले शेप पे भी अप्लाई करता हूँ मैं। यहाँ से भी अगर अप्लाई करना चाहूँ मैं फॉर एग्जांपल इसी शेड को, तो यहाँ से मैं इसको इसी शेड को अप्लाई कर सकता हूँ। इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं चले ग्रीन से
मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, इसमें ग्रीन से बेसिकली इसमें ग्रीन शेड दे देता हूँ ताकि दोनों एक अलग डिफरेंट लुक से नजर आए। एंड देन अब आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा कि इसमें रेडियल बना हुआ है अंदर और ये शेड बना हुआ है। इन द सेम मैनर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब एक डिज़ाइन हमारे सामने बन के हमारे पास आ गया और इसको अगर मैं यहाँ से इसको मैं शो करवाना चाहूँ आपको तो यहाँ से मैं इसको शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखें एक डिज़ाइन ये बना और दूसरा डिज़ाइन ये बना, किया हमने सिर्फ कौन से कैरेक्टर से बनाया एस से, आप जिस कैरेक्टर से ही बनाना चाहें एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ, मैं बैकग्राउंड शेप फॉर एग्जांपल एक सर्कल लाइन बनाया, सर्कल बनाने के बाद इसको सेंड टू बैक कर दूंगा मैं, अरेंजमेंट सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करूंगा और इसका कलर थोड़ा सा मैं एक इस तरह का कलर दूंगा मैं कि जो इस पर कंट्रास्ट हो जाए, उसके लिए यहाँ पर मैं कलर डिफरेंट ले सकता हूँ मैं। चलें ओके, फिलहाल यहाँ से एक रेड और इसके अंदर थोड़ा सा एक लुक डिफरेंट। ठीक है, एक डिफरेंट लुक। और इसके बाद इसको भी अगर मैं 3D ग्रेडिएंट्स 3D इफेक्ट इसमें इंसर्ट कर दूं मैं क्लिक के थ्रू, तो यहाँ पर डिफरेंट शेड्स में इसको अप्लाई कर सकता हूँ मैं। एंड देन ओके, एट द एंड अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दूं मैं तो देखिएगा एक नॉर्मल लुक में आपको इस तरह का शेड आ गया कि जिस तरह का एक सर्कल है और उसके ऊपर दो चीज़ें इसका अप्लाई हुई नहीं है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल, या अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ मैं, तो ये भी हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम लिख के हम इसका साइज़ फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, सेलेक्ट किया, ये स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पर फिलहाल बता रहा है, ये बेसिकली अभी ये अप्लाई हो रहा है ये एज अ इसके ही उसी को मैं फिलहाल बड़ा करता हूँ मैं एज ए कंट्रोल टी करके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। एंड देन वो भी नाम यहाँ पर मैं लिख के यहाँ पर इसको लगाना चाहूँ मैं तो वी कैन डू दैट। इसके आगे पीछे साइड पे किसी जगह पे भी नाम लिखना चाहूँ ये नाम हमें लिख सकते हैं। फिलहाल ये एक सिंपल सी उन स्टूडेंट्स के लिए जो समझना चाहते थे किस तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट होता है, बेसिक तरीके से मैंने सब बताने की कोशिश की है। अब एक और है, इसी 3D को यूज़ करते हुए एक और चीज़ आपको बताना है किस तरीके से हम लोग एक और तरीके का लोगो बना सकते हैं। जिस तरह आजकल मुगलिंग का लोगो चल रहा है, मुगलिंग का देखेंगे जिसमें से कर्व बना हुआ आता है डिफरेंट, वो लोगो किस तरह से उसको बनाया जाता है, किस तरह से बना होगा, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। क्या इस चीज़ को ये चीज़ समझ में आ पाओगे? यस। इसमें अब एक और चीज़ मैं इसे बताना चाहूँगा मैं, अच्छा उसको समझने से पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं कलर लेता हूँ, मैं ये कलर लिया मैंने फॉर एग्जांपल, चलें कोई सा भी मैंने कलर ले लिया, उसके बाद यहाँ से एक ब्लेंड बनाया, अच्छा मतलब से उसके ऊपर बनाया था, उसकी वजह यह है कि यहाँ सब कुछ नज़र आए। अच्छा ओके, ये मैंने एक ब्लेंड बनाया सिंपल, इस ब्लेंड के बाद इसके अंदर मैं इसको कॉपी करूँगा मैं। कॉपी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक है अल्टर प्रेस करके जस्ट ड्रैग करूँगा तो ये भी कॉपी है। अच्छा ज़रा देखिएगा प्लीज़, इंपॉर्टेंट है, अल्टर प्रेस करके मैं जस्ट नीचे की तरफ इतना डिस्टेंस मैंने दूंगा मैं कि इसके दरमियान एक और आ जाए, यानी दो ब्लेंड के दरमियान एक और ब्लेंड आ जाए, इतना मैं गैप उसको दूंगा मैं। अच्छा फिलहाल ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल, ठीक है एक रेक्टेंगल है, जस्ट रेक्टेंगल मैंने शेप बनाया है, उसी चीज़ को कॉपी उसी डिस्टेंस से मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी, जरा देखिएगा और से ज़रा देखिएगा मैंने क्या किया, ये इसके अंदर एक इसमें फीचर है,
जब भी एक चीज को आप कॉपी करते हैं ऑल्टर प्रेस करके, जैसे ही ऑल्टर प्रेस करके जैसे ही ड्रैग करते हैं कॉपी हो जाता है, फिर उसी डिस्टेंस से कंट्रोल डी करने से, कंट्रोल डी करने से वो चीज कॉपी हो जाती है एज इट इज, ठीक है। जितनी चाहे कॉपी कर लें आप, ठीक है, जितनी दफा कंट्रोल डी करूँगा ये चीज़ कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब और जरा देखिएगा प्लीज, इसी में मैं चाहता हूँ, मैं इस तरह आपने मोबलिंग का आपने देखा हो कब सीधे नहीं थे, कब थोड़े से डायगोनल शेप में थे, ठीक है। जो कर्व आते हैं ये बेसिकली डायगोनल शेप में होते हैं, स्ट्रेट शेप में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि मुझे इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने देखिए इस टूल को मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसके जो एजेस थे उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, कंट्रोल प्रेस करके देखिएगा, अच्छा मुझे दरअसल इसका शेप थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है, तो ये शायद प्रॉब्लम कर रही है, करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एक मिनट। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, एक सेकेंड और सर देखिएगा, मैंने जस्ट को सेलेक्ट किया और किसी भी बटन ना कंट्रोल को क्लिक किया, किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं किया, जस्ट मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस की पे मैंने प्रेस किया डायरेक्ट सिलेक्शन पे, और इसका जो एंकर था मैंने किसी भी ना कंट्रोल ना शिफ्ट किसी भी क्लिक नहीं किया, जस्ट पकड़ के जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो इसको एक एंगल पर मैंने घुमा दिया। तो ये नॉर्मली अगर किसी को इसको शिफ्ट करना हो, इसको रिफ्लेक्ट करवाना हो, या फिर इसको स्क्यू करवाना हो, इसको स्क्यू कहते हैं बेसिकली, स्क्यू करना हो तो स्क्यू इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिंबल का, यहाँ पर सिंबल का एक ऑप्शन है, अगर नहीं है तो यहाँ से विंडो पे जाके हम सिंबल पे क्लिक करेंगे, सिंबल आ जाएगा, इसको हम सिंबल बना लेंगे। सिंबल का आपको शायद याद होगा, इस सिंबल के बारे में पहले बता चुका हूँ, इसे स्प्रे था, स्प्रे के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि सिंबल हम अपना खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। जस्ट को मैं ग्रैप करूँगा, मैं ग्रैप करने के बाद देखिएगा, ग्रैप करके जस्ट मैं सिंबल पर रख दूंगा मैं, तो इसका सिंबल बन जाएगा। यहाँ पर ये मूवी क्लिप लिखा हुआ है ग्राफिक्स टाइप में, बेसिकली ये मूवी क्लिप नहीं है, ये मूवी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, ये यूज़ होगा एज ए ग्राफिक्स। तो मैं इसको कन्वर्ट किस पे करूँगा, मैं ग्राफिक्स पे कन्वर्ट करके ओके कर दूँगा मैं, तो ये एज ए सिंबल बन गया। सॉरी इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि मैंने सिर्फ एक सेलेक्ट किया है, सबको सेलेक्ट करूँगा मैं, सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको उठा के जस्ट पे रखूँगा मैं, यहाँ से इसको ग्राफिक्स करता हूँ, कोई भी नाम देना चाहो नाम दे सकता हूँ मैं। अब ये पूरी इसकी ग्राफिक्स बन गई, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँगा मैं, ठीक है। अब ये चीज़ डिलीट इसलिए मैंने कर दी क्योंकि अब मुझे अब इसी पे ही काम करना है कि किस तरीके से इसको वर्क करके लेके चलेगा। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सर्कल, क्योंकि आपने देखा होगा जो बनता है वो स्क्वायर, वो बेसिकली सर्कुलर के अंदर बनता है, सर्कल के अंदर बनता है, तो इसको मैंने सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद ये कलर आ गया, इसकी मैं स्ट्रोक को ख़त्म कर देता हूँ मैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैं विंडो पे जाता हूँ, मैं जब थ्री डी के अंदर आता हूँ, थ्री डी इफेक्ट में एक्रूट के अंदर जाता हूँ मैं, कि मेरे पास इसके एक्रूट्स बन गए। और जरा देखिएगा, अगर मैं चाहूँ तो इसको कोई सा भी शेप दे सकता हूँ मैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको मैं स्ट्रेट शेप दे दूँ मैं ज़ीरो, ठीक है, ये स्ट्रेट हो गया। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको मैं चाहूँ थोड़ा सा मैं इसको इस एंगल पे लेना चाहूँ तो इसको इस एंगल पे ले सकता हूँ ज़ीरो। और इसके बाद यहाँ से ज़रा देखिएगा, अगर मैं इसके प्रोस्पेक्टिव को बढ़ा दूँ, तो प्रोस्पेक्टिव बेसिकली बढ़ाने से क्या हुआ कि मेरे पास इसके शेड्स में थोड़ी इंक्रीमेंट आ गई। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी डेप्थ को बढ़ा दूँ, ये डेप्थ अच्छा लग रहा है, मैं यही चाहूँगा डेप्थ में आए,
बेसिकली वो जिस पहले मैंने बनाया वो इसी के गेट होनेगा, ठीक है। तो और जरा देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इसको चाहूँ, मैं इसका एंगल चेंज करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। इसके बाद अगर मैं इसको जीरो और दोनों को जीरो रखना चाहूँ तो ये एक स्पैरल बन गया आपके सामने। यहाँ पर एक चीज़ आती है मैप आर्ट। अब इस पे मैंने सिलेंडर बनाया, सर्कल बनाया, सर्कल बना के उसको सिलेंडर बना दिया और उसको मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, स्पैरल। स्पैरल बेसिकली कहाँ पर सेव है, सिंपल के अंदर। स्पैरल कहाँ सेव है, सिंपल के अंदर सेव है। इस सिंबल का जो ऑप्शन यहाँ पर जो नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा मैप आर्ट के अंदर। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद होंगे, मैप आर्ट के अंदर सिंबल्स मौजूद हैं। यानी कितनी आसान चीज़ है कि किसी आपने 3D ग्राफिक्स बनाई है उसके अंदर सिंबल बना के आप रखते हैं, उस सिंबल को आप किसी भी 3D के ऊपर अप्लाई करना हो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी जितनी भी सिंबल बने हुए हैं जो उसके साथ सिंबल, जो मैंने इतने सारे सिंबल आपको बनाए थे, फिश के सिंबल बनाते हैं, दस सिंबल मैंने आपको फ्लावर्स के सिंबल बनाए थे, किसी भी 3D के ऊपर अप्लाई करना हो कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। यहाँ पर मैं देखूँगा सबसे नीचे जो चीज़ मौजूद होगी वो है सिंबल हमारा, ठीक है। जैसे ही मैं सिंबल को अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पर लेयर रखता हूँ 2 और 3, 3 लेयर्स पे ये सिंबल मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैं ये रहा सिंबल, इस सिंबल को मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको यहां से सिंबल परस्पेक्टिव 0 और यहां से एक फ्रूट को, फ्रूट सही है, यहां पर सिंबल को थोड़ा सा यहां से इसको दोबारा करना चाहूंगा मैं। यहाँ से ज़रा देखिएगा, दो ऑप्शन है, एक शेड आर्टवर्क, एक इनविजिबल ज्योमेट्री। जैसे शेड आर्टवर्क पे क्लिक करूँगा मैं और इनविजिबल ज्योमेट्री पे करूँगा मैं, तो गौर से ज़रा देखिएगा वही शेड। अब यहाँ से मुझे सारी सेटिंग करनी है कि किस तरह मुझे लेकर आना है, कहाँ पर लेकर आना है मुझे, किस तरह से लेकर आना है, कहाँ से मुझे शेड को डिफरेंट करना है। अगर मैं इसको थोड़ा घुमाता हूँ, मैं देखिए सबके शेड डिफरेंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, शेड देखे थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, एक शेड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे इसके अंदर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही काम कर रही है, हल्का सा मुझे इसका थोड़ा सा मुझे शेड देना पड़ेगा ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। मैं अच्छा, ओके, यहाँ से अगर मैं इसको मैं इस तरह का शेड दे दूँ, अब बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये देखिएगा अब बिल्कुल सही वर्क है। मैं यहाँ से इसको एक काम करता हूँ, मैं इधर से इस पर थोड़ा काम करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, ये 2 मिनट वाला काम नहीं है कि आप आराम से इसको 2 मिनट में करके आप उसको साइड लाइन कर दें, इस पर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मैं दोबारा से आर्ट वर्क पे जाता हूँ, मैं यहाँ जाके मैं थोड़ा सा शेड चेंज करता हूँ, मैं क्या ये सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बिल्कुल सही है, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। हल्का सविता से नहीं, ये
पूरा कर्म आना चाहिए ना, स्पायरल होना चाहिए। हाँ हो गया था, लेकिन वो फिर सेटिंग आके पीछे हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा मैं, हल्का सा शीट इसका चेंज। चलें ओके, फिलहाल काफ़ी हद तक बेटर है। अब इसमें अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको कर दे दूँ, नहीं अच्छा फिलहाल इसको ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद अगर मैं इसका थोड़ा सा एंगल यहाँ से चेंज करता हूँ मैं, जिससे बेटर लुक नज़र आए हमें, तो काफ़ी हद तक हमें बेटर लुक नज़र आ रहा है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही इसको ओके करूँगा मैं, तो आपकी नज़रों के सामने यहाँ पर एक आर्ट डिज़ाइन यहाँ पर आ गया। इसको अगर मैं स्मॉल करना चाहूँ, साइज छोटा करना चाहूँ, तो वी कैन डू दैट। यहाँ से इसका साइज अगर मैं छोटा करना चाहूँ मैं, चलिए जो भी कुछ है इसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसकी ही आप प्रैक्टिस करेंगे, देन इसके बाद बताएंगे। ये देखिए जिस तरह कर्व आ रही है, ये कर बेसिकली अगर हम चाहें डिफरेंट शेड्स में चाहें इसको डिफरेंट शेड में कर सकते हैं हम लोग। जिस तरह मैंने सर्कल में आप स्क्वायर में बना दें, आप स्क्वायर में नहीं किसी आप स्टार्स के अंदर बना दें, तो कहने का मकसद ये है कि टेक्निक ये रखें चीज़ों को मुख्तलिफ कर दें। ठीक है, बिल्कुल मैंने 3D का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप 3D से खेलेंगे, आप कोई भी 3D इफेक्ट कोई भी बनाए उसको 3D में कन्वर्ट करें, सिंबल को यूज कर लें इसके ऊपर। ठीक है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखें, टेक्स्ट लिखने के बाद आप उसको जब एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड करने का तरीका बताया था मैंने आपको, एक्सपेंड करने के बाद क्या करेंगे आप फॉरन इसके बाद उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, उसको सिंबल अप्लाई करके शेप्स डिफरेंट करके नया लुक लेके आने की कोशिश करेंगे। चीजें बहुत सारी बन सकती हैं इसके अंदर, तो मैं एटलीस्ट इसके अंदर आपको 5 से 6 टेक्निक आपको सिखाऊंगा मैं। इन 5 से 6 टेक्निक के थ्रू आप क्या करेंगे, आप चीजों को बनाएंगे आप। ठीक है, ये दूसरी है, पहली तो वो थी 3D की, अब 3D के अंदर मैं यहाँ पर किसी और चीज का बनाऊंगा मैं, बिल्कुल। यानी अब स्टूडेंट से मैंने शुरू में मैंने कहा था पहले टूल्स कवर कराऊंगा मैं, टूल्स कवर करने के बाद इसके आ जाऊंगा मैं टेक्निक। अच्छा टेक्निक है, फिर आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो प्रोफेशनली फेमस बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, देन उन सॉफ्टवेयर हाउस में वो प्रोफेशनली इसी में काम करेंगे, टेक्निक आपको आते हो फिर वो टेक्निक आपको बताएंगे 2 से 4, तो इससे क्या होगा एक अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई सवाल? ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको स्टॉप करता हूँ।